आप देख रहे हैं क्राइम इंडिया न्यूज़। हम आपको दिखाएंगे खबर के अंदर का सच। आज इलाहाबाद के घूरपुर थाना क्षेत्र पर स्थित कई घाटों पर चल रहे अवैध खनन पर उच्च अधिकारियों का औचक निरीक्षण। आज इलाहाबाद के बारा तहसील अंतर्गत घूरपुर थाना क्षेत्र स्थित कई घाटों पर हो रहे अवैध बालू खनन पर अपर जिलाधिकारी महेंद्र राय, अपर पुलिस अधीक्षक दीपेंद्र नाथ चौधरी, जिला खनन अधिकारी पीबी यादव, पीएससी बल के साथ निरीक्षण किया गया, जिसमें केनुआ, कंजासा, बीरबल घाटों पर अवैध बालू डंप की जा रही थी। इन घाटों पर लगभग सैकड़ों नाविक बालू उतार रहे थे और दर्जनों ट्रंक बालू लाद रहे थे। प्रशासनिक अधिकारियों को देखते ही कुछ नाविक अपनी नाव को लेकर बीच धारा में चले गए, कुछ मौके पर ही उतारते रहे और ट्रक पर बालू लाद रहे मजदूर और ट्रक वाले अपने अपने ट्रकों को छोड़कर भागते हुए नजर आए। इस अवैध रूप से चल रहे बालू खनन को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारियों ने तुरंत जेसीबी को बुलाकर घाट की तरफ जा रहे रास्ते को खुदवा दिया। इस संबंध में अपर जिलाधिकारी ने बताया कि अज्ञात लोगों के खिलाफ घूरपुर थाने में एफआईआर दर्ज करा दी गई है। उसमें सर प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई की है? जनपद में कुल 52 घाटों के लिए टेंडरिंग की गई थी, जिसमें 51 पे टेंडर आए थे। उन्हीं में से कचपे घाटों पर यह बताया गया कि नाव से अवैध खनन किया जा रहा है, जिस पर डीएम साहब के निर्देश पर आज मेरे और एसपी अमला पार साहब, माइंस अफसर और पूरी टीम के साथ रेड की गई। उससे स्पष्ट हुआ कि विगत एक सप्ताह से अवैध खनन करके बालू निकाला जा रहा है नदी से। घूरपुर थाने में अभी एफआईआर दर्ज करा दी गई है और जो भंडारण का लाइसेंस उनको दिया गया है, उनको नोटिस जारी करके उनका स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा रहा है और इसमें जो लोग संलिप्त हैं उनके खिलाफ प्रभावी वैधानिक कार्रवाई। एफआईआर दर्ज किसके नाम से की जाएगी सर? अभी तो अज्ञात के नाम से, नाम किसी का, आप लोग भी साथी थे, नाम किसी का प्रकाश में नहीं आया है। और जो खनन के रास्ते थे, जिस रास्ते से ले आ रहे थे, उसको ब्लॉक कराया जा रहा है और वहाँ एसपी अमला पार साहब से बात हुई है, पीएसी की तैनाती कराई जाएगी। जो सर अवैध बालू वहाँ पे स्टॉक लगा था उसके विषय में क्या होगा? तो पहले का भंडारण लाइसेंस था, उसी के ऊपर ले आ करके रख रहे, जिसको देखने से लगा कि ताज़ा है, उनको भी नोटिस जारी की जा रही है और अगर उनकी संलिप्तता पाई गई तो उनके विरुद्ध भी प्राथमिकी दर्ज। सर एक क्वेश्चन ये कि आपके रास्ते में जाते वक्त घाट पे ओवरलोड जो गाड़ियाँ खड़ी थी और कुछ आ रहे थे, कुछ लोड गाड़ियाँ नहीं थी, तो रास्ते में यहाँ से जितना देखा गया सब ढाले के नीचे। नहीं सर, जो तिरपाल बंदी गाड़ियाँ खड़ी थी, वीडियो भी उपलब्ध है उसकी, तो उस पर विभाग की तरफ से आप लोगों ने भी नहीं बताया, मैंने भी नहीं जी सर। रास्ते में पूरे ओवरलोड गाड़ियाँ सारे ट्रक चेक किए जी सर, और यहाँ जब हम लोग मोड़ पर खड़े थे। तो ये थी इलाहाबाद से राजीव की रिपोर्ट।